हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लक्ष्मी। आज हम सर्दी खांसी में 100% काम देने वाला घरेलू कफ सिरप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको रेमेडी बताने वाली हूं, वो 100% आपके जो खांसी जुखाम पर असर करेगा। ये घरेलू नुस्खा है और इस नुस्खे को मैंने कई बार अपने ऊपर भी आजमाया है। इनफैक्ट मैंने अपने फैमिली, मेरी 2.5 साल की बेटी है उस पर भी आजमाया है। तो फ्रेंड्स, आजकल जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस, तो उससे भी बचा जा सकता है इससे। अगर आपको नॉर्मली खांसी और जुखाम हुआ है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप ये नुस्खा समझ नहीं पाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है हमारा, इसे जब आप यूज़ करेंगे तो एक दिन में आपको बहुत ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। आपको आपकी सर्दी खांसी से राहत भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो पूरा देखिएगा। और ये दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है, उतना ही पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी है ना, आपको यकीन नहीं होगा। एकदम मसाला चाय जैसा आपको फील होगा। और फ्रेंड्स, इसको कैसे लेना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 300 ml वाटर चाहिए। मैंने आरओ का पानी यूज़ किया है। एक सॉस पैन में हम 300 ml वाटर ले लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 1/2 teaspoon अजवाइन ली है, इसको हम डाल देंगे अपने पैन में और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने कफ सिरप में सबसे पहला इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो अजवाइन है। अजवाइन से जो फ्रेंड्स, जो हमारी खांसी होती है उसमें बहुत ही राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है काली मिर्च। मैंने 10 काली मिर्च को ऐसे रफली ग्राइंड कर लिया है, हाथों से कूट लिया है। तो फ्रेंड्स, जो ये काली मिर्च है, मैंने पाउडर नहीं ली है, मैंने हाथ से ही इसको कूट लिया है। हमें पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम 1 inch जितना सिनेमन सीड लेंगे, दालचीनी, और इसको भी ऐसे हाथ से ही टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और मैंने फिर 4 लौंग लिए हैं, ये भी हमारी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, सर दर्द में काफ़ी राहत मिलता है लौंग से। और मैंने 2 हरी इलायची ली है, इसको भी मैंने तोड़कर ऐसे डाल दिया है ताकि ये अपना फ्लेवर सारा का सारा पानी में रिलीज कर दें। तो फ्रेंड्स, जो हम दालचीनी यूज़ कर रहे हैं, उससे अगर आपके छाती में कफ जम गया हो तो उसको भी निकलने में काफ़ी राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1/4 चम्मच काला नमक यूज़ किया है। हमें सेंधा नमक यूज़ नहीं करना है, ना ही नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करना है। और मैंने 1 inch अदरक को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। सर्दी खांसी में अदरक का भी बहुत ही अच्छा महत्व होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे गले को, हमारे जो गले में कफ जम जाता है उसको राहत देता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी रेसिपी हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम में बनानी है। तो फ्रेंड्स, जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं उनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 8 से 10 पत्ते तुलसी के लिए हैं। आपके पास जो भी तुलसी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने श्यामा तुलसी ली है, ये भी बहुत ही मेडिसिनल प्लांट होता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी सर्दी खांसी के लिए। इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है और सर्दी खांसी में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। हल्दी से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो स्ट्रांग होती है और
और हल्दी दूध में मिला के पीने से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। मैंने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ गुड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, जो हम कफ सिरप बना रहे हैं इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर आप शहद यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शहद आपको इसको लूक वॉर्म होने तक, यानी थोड़ा सा गुनगुना होने तक, जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुड़ बहुत ही अच्छा रहता है जब हमें कफ खांसी जुकाम होता है उसके लिए। फ्रेंड्स, गुड़ तो बहुत ही ज़रूरी होता है, ये आयरन से भरपूर होता है और जो छाती में जो कफ जमा हुआ होता है उसको छटने में मदद करता है। अभी फ्रेंड्स, हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल लिए हैं और ये अच्छे से उबाल आ चुका है पानी में, तो हम इसे स्लो से मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे। मेरे कहने का मतलब है, जितना हमने पानी डाला था उसका आधा पानी हो जाए तब हमारा ये काढ़ा, हमारा ये कफ सिरप तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मेरा पानी है वो आधा हो चुका है, यानी कि हमारा कफ सिरप अब तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा अभी तैयार हो चुका है, इसको हम छान लेंगे। आप किसी भी ग्लास में या किसी भी चीज़ में आप छान सकते हैं, इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये काढ़ा बनाने के बाद में अगर आपको जैसे कफ है और सर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, अंदर से बुखार हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में इतनी राहत मिलेगी। और ये काढ़ा पीने के बाद में अगर आप थोड़ी देर आराम कर लेंगे या 1 से 2 घंटा सो लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है और आपको रिलीफ ही नहीं मिल रहा है तो आप ये काढ़ा 3 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं, आधा आधा कप करके। इतनी क्वांटिटी आपको पीनी है, 3 बार आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा ही लेना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसे 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन में, और ये बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, इस काढ़े का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हम कफ सिरप यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आपने एक बार ये काढ़ा यूज़ कर लिया तो आप इसी को बनाना प्रिफर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये काढ़ा नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, छानने के बाद जो ये बच गया है इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसमें कम से कम 7 से 8 मसाला चाय आराम से बन सकती है। और फ्रेंड्स, इस काढ़े को हमें फ्रिज में नहीं रखना है, हमें बाहर ही रखना है इसको, और जब हमें पीना हो तो इसे लूक वॉर्म कर लेंगे, थोड़ा हल्का हल्का गुनगुना कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस के बारे में मैं आपके बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी कहीं बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। और जब भी आपको लगे आपने किसी चीज़ को छुआ है, हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से रगड़ के धोइए। अगर आप बाहर से आते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो मैंने एक सैनिटाइज़र की रेसिपी शेयर की है, आप वो बना के रख सकते हैं अपने घर में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी दे सकते हैं बनाकर। और फ्रेंड, कोरोना वायरस को लेके आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, और थोड़ी सी सावधानी के साथ हम इस डिज़ीज़ से, इस वायरस से बहुत ही इजीली बच सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से मिलें तो कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस रखिए उससे, और अगर आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है तो बहुत सारी सावधानी आप बरतिए, आप सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, मास्क पहनिए, और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप घर से निकलिए। और अब तो सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। अपने बच्चों को भी उनके हैंड्स वॉश करवाइए, एक खेल के जैसे, एक मज़े के जैसे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।